तो दोस्तों अगर आप लोग 2022 में न्यू रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे पास है 2022 मॉडल न्यू रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का स्टेलर वेरिएंट, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2022 में रॉयल इनफील्ड की तरफ से मीटियोर 350 में आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको 2022 में आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में, उन्हीं नए बदलाव के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इसकी एक्सोन प्राइस भी बताएंगे कि 2022 में इसकी एक्सोन प्राइस कितनी चल रही है, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में मीटियोर 350 लेने जाते हैं तो आप लोग को कंप्लीट प्राइस कितना पड़ेगा, यानी कि हम आपको एक्सोरूम प्राइस के साथ साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अंदर से लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नए वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में कि 2022 में लुक्स वाइज इस बाइक में आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है मीटियोर 350 का स्टेलर मॉडल का स्टेलर रेड कलर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो लुक है ना, वो पहले की तरह काफी क्लासिक और काफी एग्रेसिव लगती है देखने में। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लुक में कोई चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब लॉन्च हुई थी ना तभी काफी अच्छे लुक के साथ आती थी, वही सेम लुक अभी भी देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो स्टेलर मॉडल में आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहला है स्टेलर रेड कलर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है स्टेलर ब्लैक कलर, तीसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है स्टेलर ब्लू कलर। तो दोस्तों गौर करिएगा, मीटियोर 350 में आपको अलग अलग वेरियंट देखने को मिलते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका स्टेलर वेरियंट है। तो दोस्तों ये जो स्टेलर रेड कलर है, आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गौर करिएगा, मीटियोर 350 में आपको बहुत सारे अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं, जिनकी जो प्राइस होती है ना अलग अलग देखने को मिलती है। तो अभी हम जो आपको बता रहे हैं प्राइस, वो हम आपको बता रहे हैं स्टेलर मॉडल की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2,07,700 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के कंप्लीट प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, कि अगर आप लोग 2022 में मीटियोर 350 का स्टेलर मॉडल लेने जाते हैं तो आप लोग को कंप्लीट प्राइस कितना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बाइक की जो कंप्लीट प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2,37,000 से 2,40,000 के बीच में आपको 2022 में रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का स्टेलर मॉडल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है ना, पहले से 2,000 से 3,000 रुपए बढ़ चुकी है। तो सबसे पहला चेंज इसके प्राइस में है कि अब इसकी जो प्राइस है ना 2022 में थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है, जिसमें आपको 41mm का फोर्क देखने को मिल जाती है, 130mm का ट्रेवल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना, आपको पहले से और भी ज्यादा बेटर हो चुका है। तो इसमें आपको जो कम्फर्ट मिलने वाला, वो आपको पहले से और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखते हैं सस्पेंशन के दोनों साइड में देखते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, ट्विंग पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी साइज है 300mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। गौर करिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको ABS का चैन देखने को मिल जाती है। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 100/90 का, 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें आपको अलॉय व्हील का यूज देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है। तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर के साथ साथ आपको अलॉय व्हील देखने को मिलती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आ रहा है ना, वो भी आपको पहले की तरह देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो चारों इंडिकेटर है वो साथ में ब्लिंक कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल हेजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है, जो कि आपको फॉगी कंडीशन में राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा हेल्प करेगा। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो हेडलैम्प मिलेगा वही सेम आपको राउंड शेप में आपको क्लासिक लुक के साथ फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। बीच में आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की बैचिंग देखने को मिल जाती है हेडलैम्प के अंदर, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। हेडलैम्प के चारों तरफ देख सकते हैं क्रोम फिनिश देखने को मिलती है, जो कि रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्लासिक लुक प्रोवाइड होती है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाला लुक देखने को मिलता है, जो कि काफी क्लासिक लगती है देखने में। और इसका जो हेडलैम्प की जो रोशनी है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है ना, इसको लेके आपको पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो मीटियोर 350 का स्टेलर मॉडल है, इसका फ्रंट से लुक, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइड से लुक, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार से। तो यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड लो एंड
स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाता है, यानी कि आप लोग एक ही स्विच से दोनों काम कर सकते हैं। और नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, उसके नीचे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, पीछे साइड में आपको इन्फो स्विच देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग मीटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो साइड मिरर मिलेगा वही सेम आपको क्रोम फिनिश में राउंड शेप वाला आपको क्लासिक लुक वाला साइड मिरर देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम और काफी क्लासिक लगती है देखने में। और यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड बार पे देखते हैं प्री इंस्टॉल आपको हैजार्ड स्विच के साथ साथ इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंजन ऑन स्विच और ऑफ स्विच, यानी कि आप लोग दोनों काम एक ही स्विच से कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाता है इसके 2022 मॉडल में, तो आप लोग इस बाइक को फॉगी कंडीशन में आसानी से राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले से ही हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल मिलेगा वो आपको सेमी डिस्टेंस मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि राउंड शेप में देखने को मिलती है, जो कि काफी क्लासिक लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। बीच में देख सकते हैं डिजिटल मीटर कंसोल लगाया गया है, इसमें आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है और साथ ही साथ डीपीएस इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक देखने को मिल जाती है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाती है। और राइट साइड में आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलती है उसमें आपको हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम मिल जाती है, जीपीएस ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अब आप अपने मीटर कंसोल को अपने फोन से कनेक्ट करके इसके डिस्प्ले में आप लोग इसके नेविगेशन सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ये सारे फीचर्स आपको पहले भी देखने को मिलते थे। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको पहले की तरह काफी मस्कुलर और काफी बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है, जो कि आपको मिलेगा रेड कलर में, क्योंकि ये इसका स्टेलर रेड कलर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लॉसी रेड कलर है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा चॉकलेट वाला कलर निकल के आता है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। और यहाँ देख सकते हैं फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखते हैं 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है रॉयल एनफील्ड का, जो कि क्रोम फिनिश में देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, इस लोगो की वजह से, इस 3D एम्बर लोगो की वजह से काफी प्रीमियम लगती है देखने में। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 15 लीटर की। तो दोस्तों इसमें आपको काफी बड़ा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंजन मिलेगा वो आपको वही सेम आपको मिल जाता है, जो कि मिलेगा 349 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक एयर ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिलेगी। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20.2 BHP का 6100 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 27 Nm का 4000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि EFI सिस्टम मिल जाती है। तो आपका जो पेट्रोल होगा ना वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी। इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके इंजन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वही सेम आपको 2021 वाला इंजन देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं इस बाइक के अगले चेंज के बारे में, जो कि 2022 में इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसका यूज ये होता है कि अगर आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाए हैं तो आपकी जो बाइक है ना वो स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आप अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर देखने को मिल रही है 2022 के लगभग सभी बाइकों में। और यहाँ आप देख सकते हैं साइड पैनल पे आप देख सकते हैं मिट्योर 350 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कम्फर्ट के बारे में। तो दोस्तों अब इसका जो सीट है ना पहले से और भी अधिक कम्फर्टेबल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो राइडर सीट देखने को मिलेगा वो आपको पहले की तरह काफी लंबी और काफी चौड़ी सीट लगाई गई, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है राइडिंग के टाइम पे। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो पिलियन राइडर का सीट है वो पहले से और भी ज्यादा चौड़ा हो चुका है, और इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना वो पहले से और भी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं पिलियन राइडर के लिए आपको बैकरेस्ट मिल जाती है, जिसकी जो कुशनिंग है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब इसका जो सीट है ना पहले से कम्फर्टेबल हो चुकी है, तो अब आपको इस बाइक में आपको राइडिंग के टाइम पे और भी ज्यादा कम्फर्टेबल फील होने वाली है। और यहाँ देख सकते हैं पिलियन में आप देख सकते हैं इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है, सारी गार्ड देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज हैं वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो पिलियन का बैकरेस्ट लगाया गया है उसके ऊपर अभी कितने 3D में आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी क्लासिक लगती है देखने में। तो दोस्तों इस पूरी बाइक में आपको जो लोगो देखने को मिलते हैं ना सब भी आपको 3D में देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा और काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो टेल लाइट देखने को मिलेगा वही सेम आपको राउंड शेप में आपको फुली LED टेल लाइट मिल जाती है। इसका जो चारों इंडिकेटर आप देख सकते हैं साथ में ब्लिंक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस बाइक में आपको रियर में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो दूसरे साइड का लुक है ना वो भी आपको सेम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस बाइक के रियर सेक्शन से तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है ट्विन ट्यूब एम्बुलेशन शॉक एब्जॉर्ब विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 6 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो रियर सस्पेंशन है ना इसमें आपको जो सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है आपको पहले से और भी बेटर हो चुका है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट फील कराएगी। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है सिंगल पिस्टन फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज है 270 mm का।
डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ईबीएस का चैन मिल जाता है, क्योंकि ये डुअल चैनल ईबीएस के साथ आती है, तो इसमें आपको रियर और फ्रंट दोनों में आपको ईबीएस का चैन देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलती है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और यहाँ देख सकते हैं इसका रियर टायर मिलेगा, वो आपको काफी चौड़ा टायर लगाया गया है, जो की है 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है अलॉय के साथ। तो दोस्तों इसमें आपको जो टायर मिलता है वो आपको रेडियल टायर मिलता है, जो की ग्रिपिंग के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं इस साइड पैनल पे आप देखते हैं मिट्टी 350 की बैचिंग देखने मिल जाती है। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो ब्रेक पैडल लगाया गया है उसके साइड में आप देख सकते हैं एक लोहे की रेलिंग मिल जाती है। इसका यूज क्या होता है, तो यहाँ भी देखिए जैसे मैंने अपना पैर रखा इस रेलिंग की वजह से जो मेरा पैर है ना कितना भी कोशिश कर ले वो इसके एग्जॉस्ट से या फिर इंजन से टच नहीं होती है। तो दोस्तों जो रॉयल एनफील्ड की बाइकों का जो इंजन होता है ना काफी हीट होता है, तो इस रेलिंग की वजह से आपका जो पैर है ना वो इंजन से टच नहीं होगा, तो आपका जो पैर है ना काफी अच्छे से सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस बाइक के स्पेसिफिकेशन की बात, इस फीचर्स की बात। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन की बात। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2140 mm। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1140 mm। इसका जो व्हीलबेस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1400 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 170 mm। इसका जो सीट हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 765 mm का। इस बाइक का जो कार वेट है वो है 191 kg की। तो दोस्तों ये तो हो गया इस बाइक के डायमेंशन की बात। अब आपको बता देते हैं कि इस बाइक में आपको 2022 में आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा खास बनाती है। तो पहला चेंज कि अब इसका जो साइड स्टैंड है ना इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है। दूसरा चेंज इसमें आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर देखने को मिल जाती है। तीसरा चेंज इसका जो सीट है ना वो पहले से और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। चौथा चेंज इसमें आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और पांचवा चेंज इसमें आपको हेजार्ड स्विच देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छा आपको राइडिंग के टाइम पे हेल्प करेगा फॉगी कंडीशन में। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस इसके 2022 मॉडल में देखने को मिलते हैं। बाकी बाइक पहले की तरह ही काफी अच्छी और काफी स्पेशल लगती है, इसमें आपको और कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये स्टेलर रेड कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये कलर अच्छा लगा, ये बाइक अच्छी लगे, तो प्लीज हम तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोगों को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।